स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th इंग्लिश का पहला चैप्टर, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। तो इस चैप्टर को हम तीन पार्ट्स में डिस्कस करेंगे और हर पार्ट का एक अलग वीडियो होगा। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम इस चैप्टर की स्टोरी डिस्कस करेंगे, जो कि है लेंचो की स्टोरी अ लेटर टू गॉड। इसके बाद इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में, सेकंड वीडियो में, हम इस चैप्टर की पोएम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि है डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। इसके बाद इस चैप्टर के थर्ड पार्ट में हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के ग्रामर और वोकैबुलरी पोर्शन के बारे में। और इस पर्टिकुलर चैप्टर में रिलेटिव क्लॉजेस, मेटाफर्स और नेगेशंस डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर की स्टोरी को डिस्कस करते हैं बहुत शॉर्ट में। तो ये जो कहानी है अ लेटर टू गॉड, ये एक फार्मर के बारे में है, यानी कि एक किसान के बारे में, जिसका नाम है लेंचो। और ये जो पूरी कहानी है, ये लेंचो के आसपास बुनी गई है, लेंचो के इर्द गिर्द घूमती है। इस वजह से लेंचो को इस कहानी का आप मेन कैरेक्टर भी कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि लेंचो इस स्टोरी के पाइवटल रोल में है, या तो फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस कहानी का जो प्रोटैगोनिस्ट है या जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो लेंचो है। अब इस कहानी में स्टार्ट करने से पहले इस कहानी का थोड़ा सा बैकड्रॉप जानते हैं। तो लेंचो जो है, लेंचो का जो घर है और लेंचो के जो फील्ड्स हैं, यानी कि वो जगहें, वो खेत जहां लेंचो खेती करता है, ये एक वैली में है। वैली कहते हैं ऐसी किसी जगह को जो पहाड़ों के बीच में, जो समतल जगह होती है, थोड़ी सी नीची जगह, उस जगह को कहते हैं वैली। और वैलीज में अक्सर नदियां बहती हैं, और ये जो नदियां बहते हुए अपने साथ मिट्टी और पत्थर बहाते ले जाती हैं, इस तरीके से ही वैलीज बनती हैं और वैलीज गहरी होती चली जाती हैं। तो इस तरीके की किसी वैली में लेंचो का घर था, और पूरी की पूरी वैली में इकलौता उसका घर था लेंचो का। और इसके बारे में बताया गया है, लेंचोज होम सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, यानी कि ये जो वैली है, यहाँ कोई छोटी सी एक पहाड़ी है लो हिल, और लो हिल के क्रेस्ट में, क्रेस्ट का मतलब पहाड़ी के जो ऊपर वाला हिस्सा है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, तो इस लो हिल के ऊपर वाले हिस्से में लेंचो का घर है। और इसके घर से दिखते हैं लेंचो के जो मैदान है, यहाँ कहीं पे लेंचो के फील्ड्स हैं, यानी कि मैदान जहाँ पे लेंचो खेती करता है। और लेंचो किस चीज की खेती करता है? फिलहाल लेंचो कॉर्न की खेती करता है, यानी कि लेंचो अपने खेतों में मक्के के पेड़ उगाता है। अब लेंचो एक किसान है, तो लेंचो की लाइफ किस तरीके से है, उसके लाइफ के इक्वेशंस क्या है, उसको देखते हैं। तो लेंचो करता ये है अपनी लाइफ में कि थोड़े से पैसे इकट्ठा करता है, जो पैसे उसके पास होते हैं, उन पैसों से, उस पैसे से लेंचो खरीदता है बीज और फर्टिलाइजर्स। जिस भी चीज की खेती करनी है, उसके बीज और तमाम फर्टिलाइजर्स, उन बीजों को लगाता है खेत में, मेहनत करता है खूब, फिर उस खेत में पौधे निकलते हैं, उन पौधों को बढ़ने देता है, इंतजार करता है, और फिर जब फसल तैयार हो जाती है, अब लेंचो यहाँ इस केस में कॉर्न सुगाता है, यानी कि मक्के की खेती करता है। तो जब मक्के के पेड़ बड़े हो जाते हैं और वो तैयार हो जाते हैं कि उनको काटा जा सके, मक्कों को बाजार में बेचा जा सके, तो लेंचो पहले मक्के उगाता है, उनको बेचता है बाजार में, उनको बेचने से लेंचो के पास आता है पैसा, और लेंचो फिर इस पैसे का इस्तेमाल करता है अपनी फैमिली को सस्टेन करने के लिए। और फैमिली को सस्टेन, यानी कि जो भी लेंचो कॉर्न उगाता है, वो कॉर्न पहले तो फैमिली के खाने के काम आता है, और फिर वो कॉर्न बेचा भी जाता है। तो पूरी की पूरी फैमिली सिर्फ कॉर्न खा के तो जिंदा नहीं रह सकती, और भी चीजें खानी है, तो वो चीजें खरीदने के लिए पैसा चाहिए, कपड़े नए खरीदने हैं उसके लिए पैसा चाहिए, कोई बीमार हो गया तो दवाइयां खरीदना, बच्चों के बुक्स खरीदना, ऐसे बहुत सारे खर्चे, वो सब इसी पैसे से आते हैं लेंचो जो मक्के या क्रॉप्स, कॉर्न्स बेच कर कमाता है। और जितना भी पैसा लेंचो के पास आता है अपनी क्रॉप्स बेचने के बाद, उसी पैसे में लेंचो को फिर से थोड़ा सा पैसा बचा के रखना पड़ता है, जिससे कि उस पैसे से दोबारा से बीज खरीद सके, फर्टिलाइजर्स खरीद सके। तो आप यहाँ इस बैकड्रॉप में ये जरूर देख पा रहे होंगे कि लेंचो की जिंदगी शुरुआत होती है पैसे के साथ, पैसे से ही फिर बीज खरीदे जाते हैं, और फिर वहीं से ये साइकिल चलती है। अब लेंचो की जिंदगी का बैकड्रॉप आपको आइडिया है, अब यहाँ से शुरू होती है ये कहानी। अब ये कहानी यहाँ से शुरू होती है कि एक टाइम की बात है, लेंचो ने
कॉर्न की क्रॉप्स लगा रखी थी और उसके जो कॉर्न के पेड़ हैं अच्छे खासे बड़े हो गए थे और वो रेडी टू बी हार्वेस्टेड थे, यानी कि वो बिल्कुल तैयार होने वाले हैं। और उस टाइम पे अ लिटिल रेन वॉज नीडेड, यानी कि थोड़ी सी बारिश की जरूरत है। और आपके चैप्टर में लिखा हुआ है अर्थ नीडेड अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो डाउनपोर का मतलब होता है जब कोई भारी बारिश होती है उसे कहते हैं डाउनपोर, और शावर का मतलब होता है जब हल्की बारिश होती है। तो कहा गया है कि लेंचो की जो फसल है वो तैयार है और उस टाइम पे अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए या थोड़ी ज्यादा बारिश हो जाए तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगी उस फसल के लिए, वो फसल और अच्छी हो जाएगी और लेंचो उस फसल को जब बेचेगा तो उसके पास और पैसा आएगा क्योंकि अच्छे क्वालिटी के मक्के होंगे। तो इस टाइम पे लेंचो वॉज वेटिंग ईगरली फॉर रेन्स, लेंचो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि बारिश हो जाए थोड़ी सी। और आपकी बुक्स में लिखा है लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, यानी कि इंटीमेटली का मतलब बहुत नजदीकी से, कि लेंचो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, अपनी फसल को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी फसल हो जाएगी। अब थोड़े टाइम के बाद होता यह है कि बारिश शुरू हो जाती है, इट स्टार्टेड रेनिंग। और आपके बुक्स में ये चीज लिखी हुई है कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, यानी कि बादल आने शुरू हो गए लेंचो के खेतों की तरफ, और वो बादल इतने ज्यादा थे और इतने ज्यादा घने थे कि राइटर ने लिखा है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, यानी कि वो बादलों के पहाड़ है जैसे, इतने ज्यादा बादल हैं। उस चीज को दिखाने का एक तरीका है कि लिखा गया है ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बादलों के पहाड़ है। और इसके बाद बारिश होना शुरू हो जाती है और बारिश बहुत तेजी से होती है। तो अब ये जो तेज बारिश हो रही है, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है कि लेंचो जब अपने खेतों को देख रहा है तो इतनी तेजी से पानी गिर रहा है कि लेंचो को ऐसा साफ साफ खेत दिख नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूज किया गया है ड्रेप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, यानी कि ड्रेप्ड का मतलब होता है किसी चीज से घिर जाना या कवर हो जाना, और कर्टन यानी कि पर्दा। तो यानी कि इतनी जोर से बारिश हो रही है कि लेंचो अपने खेत नहीं देख पा रहा है, वो पानी बीच में आ रहा है कि ऐसा लग रहा है जैसे बारिश का एक पर्दा आ गया है। तो ये दिखाने का बस एक तरीका है कि बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और इस चीज से लेंचो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेंचो बाहर निकलता है अपने घर से, बारिश की बूंदों में को फील करता है अपने बॉडी पे, खुश होता है। और जब वापस आता है घर पे तो लेंचो बड़ी खुशी से अपनी फैमिली को, लेंचो की फैमिली में लेंचो की वाइफ थी और लेंचो के बच्चे थे, दो बड़े लड़के थे दो छोटे लड़के थे। तो अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को लेंचो बड़ी खुशी से ये बताता है कि ये जो बारिश हो रही है ये दरअसल में बूंदे नहीं गिर रही है, ये सिक्के गिर रहे हैं, नए जो चांदी के सिक्के हैं। ये कहानी जिस जमाने में लिखी गई उस टाइम पे चांदी के सिक्के चला करते थे, बहुत पुरानी कहानी है। तो कहा लेंचो ने कि ये जो बूंदे गिर रही हैं ये बूंदे नहीं, ये चांदी के सिक्के हैं। और यहाँ पे कंपैरिजन भी किया गया है कि बिग ड्रॉप्स एज 10 सेंट्स और स्मॉल्स एज 5, यानी कि जो बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट के बराबर है, यानी कि 10 पैसे के बराबर है, और ये जो छोटी बूंदे हैं 5 पैसे के बराबर है। ये बस दिखाने का एक तरीका है कि वो जो बारिश हो रही है उससे कितना फायदा होगा लेंचो का, फसल और अच्छी क्वालिटी की हो गई। तो अब अचानक से ये होता है कि बहुत तेजी से हवा चलने लगती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स बिगन टू ब्लो, और इसी के साथ साथ हेल स्टॉर्म्स पड़ने लगते हैं। हेल स्टॉर्म्स कहा जाता है ओलों को, और जब ओले गिरते हैं किसी भी खेत में तो ओलों की वजह से उस जगह के पेड़ों को, पत्तियों को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, और किसी जगह में अगर बहुत ज्यादा ओले गिर जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो कहा गया है कि अब ओले गिरना शुरू हो गए, और जब ओले गिरना शुरू हुए तो लेंचो के जो बच्चे थे वो अचानक से ओले देख के खुश हो गए और वो बाहर निकल के उनको बटोरने लगे। और ओलों के बारे में कहा गया है दे ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, यानी कि वो जो चांदी के सिक्कों की बात कर रहा था लेंचो, वो ओले चांदी के सिक्के के जैसे ही थे, चमक रहे थे। और उसके लेंचो के बच्चे बाहर निकल के इकट्ठा करने लगे ओलों को, और वो ओले बिल्कुल वैसे थे जैसे फ्रोजन पर्ल्स, पर्ल्स का मतलब होता है मोती, और फ्रोजन पर्ल्स यानी कि वो ओले ऐसा लग रहा था जैसे मोतियों को जमा दिया गया हो। अब इसके बाद जब ओले गिरने लगे, उस खेत में नुकसान होने लगा चीजों का, तो जितने भी फैमिली मेंबर्स थे ये सब के सब ये होप कर रहे थे, ये उम्मीद कर रहे थे कि
फैमिली मेंबर्स होप डिड टू पास क्विकली, यानी कि ये जो ओले गिर रहे हैं ज्यादा देर ना गिरे, बस थोड़ी ही देर में निकल जाए कि जो खेती है, जो फसल है, ये ज्यादा बर्बाद ना हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हेल स्टॉर्म्स कंटिन्यूड फॉर एन आवर एंड इट डिस्ट्रॉयड द होल क्रॉप्स। जो ओले हैं, जो हेल स्टॉर्म्स हैं, ये गिरते रहे करीब करीब एक पूरे घंटे तक, और जितनी पूरी फसल थी लेंचो की, पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। और यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया, एक फ्रेज, द फील्ड वॉज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। यानी कि इतने ज्यादा ओले गिरे, द फील्ड वॉज व्हाइट, कि पूरा का पूरा मैदान सफेद दिख रहा था, ऐसे लग रहा था एज इफ, जैसे कि वो मैदान ये नमक से पूरा कवर हो गया है। अब जब लेंचो ने अपने खेतों को इस तरीके से बर्बाद होते देखा, तो लेंचो सोल फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि लेंचो की जो आत्मा है, आत्मा तक उदास हो गई उसकी। ये बस दिखाने का तरीका है कि लेंचो का इतना दिल बैठ गया। और लेंचो जब ओले गिरना बंद हुए, तो लेंचो बाहर निकलता है ये देखने के लिए कि जो फसल है उसकी, उसमें कुछ बचा भी है कि नहीं बचा है। और जो खेत के हाल देख के लेंचो कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर कॉर्न देन दैट। लोकस्ट टिड्डियों को कहते हैं, और ये जो टिड्डियां होती हैं, ये बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और ऐसे टिड्डियां जिस खेत में, जिस भी इलाके में एक बार बैठ जाएं और उन पेड़ों को खाने लग जाएं, तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है किसी भी खेत में। तो ये टिड्डियों का जब जो दल होता है, किसी भी मतलब किसान के लिए एक बहुत बुरे सपने के जैसा होता है, बहुत नुकसान करता है। इस वजह से लोकस्ट को अ प्लेग ऑफ लोकस्ट कहा गया है, एक प्लेग से कंपेयर किया गया है। और लेंचो ने ये कहा कि अगर अ प्लेग ऑफ लोकर्स वुड हैव लेफ्ट मोर कॉर्न देन दैट, यानी कि अगर टिड्डियों का एक दल आ जाता, वो खेत में अगर नाश करता, तब भी ज्यादा कॉर्न बच जाता। यहाँ पे ओले गिरे तो पूरा का पूरा खेत खत्म हो गया है। अब जब लेंचो का पूरा खेत बर्बाद हो गया है, तो अब सीन सिचुएशन ये हो रही है कि अब लेंचो ने सोचना शुरू किया कि होगा क्या। तो अब लेंचो की फैमिली के पास कोई कॉर्न नहीं होगा जो वो खा सकें। इसके बाद लेंचो की फैमिली के पास कोई कॉर्न या मक्का नहीं होगा जिसे वो बेच सकें। और जब लेंचो कुछ बेच नहीं पाएगा, तो लेंचो के पास पैसा भी नहीं आ सकता है। और अगर लेंचो के पास पैसा नहीं आएगा, तो इससे क्या होगा, लेंचो अपनी फैमिली के लिए कोई खाना नहीं खरीद पाएगा, कोई भी जरूरत की चीज नहीं खरीद पाएगा। कोई आदमी बीमार हो गया तो दवा नहीं खरीद पाएगा, घर में कोई चीज गड़बड़ हो गई तो उस चीज को सही नहीं कर पाएगा, कुछ भी। पैसे के बिना हर चीज ठप हो जाती है। और एक और बहुत बड़ी चीज, लेंचो को अब अगली फसल लगानी है, तो अगली फसल लगाने के लिए उसे बीज चाहिए, फर्टिलाइजर, कुछ भी चाहिए, उसके लिए भी लेंचो को पैसा चाहिए, और पैसा ही तो नहीं है उसके पास। तो अब ये जो सीन सिचुएशन थी कि बिना पैसे के क्या होगा, लेंचो की अगली फसल तक कैसे लग पाएगी, सो का मतलब होता है बोना या रोपना, तो किस तरीके से अगली फसल लग पाएगी, कैसे जिंदगी चलेगी, ये बिल्कुल लेंचो उदास हो गया कि क्या होगा। और ये लेंचोज लाइफ सीन टू शैटर, यानी कि लेंचो की लाइफ जैसे बिल्कुल बिखर रही होती। कई ऐसे सिचुएशंस होते हैं लाइफ में जब आप सोचते हैं कि हमारी जिंदगी ऐसे जा रही है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो इस तरीके से होता रहेगा। और कई सिचुएशंस ऐसी होती है कि अचानक से कुछ होता है कि आपकी जिंदगी बिखर जाती है कि यार अब आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। तो यही चीज लेंचो के साथ थी, और लेंचो बहुत स्ट्रेस में था, बहुत टेंशन में आ गया, क्योंकि ये सोच सोच के लेंचो परेशान था कि अब होगा क्या, पूरा जो साल बचा हुआ है वो खाएंगे क्या। और लेंचो के मन में फिर उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हुए, कहीं ना कहीं डर लगना उसको शुरू हुआ कि अब खाने के लिए कोई चीज नहीं है, पैसा नहीं है कि कोई खाने की चीज खरीद सके, तो वो लेंचो भी भूखा मरेगा और अपनी फैमिली को भी भूखा तड़पते हुए देखेगा, और ना जाने क्या क्या हो, यहाँ से तो शुरुआत होगी। और लेंचो को ये फील हो रहा था कि टाइम्स ऑफ पेन एंड सफरिंग आर विजिबल, लेंचो को ये तकलीफ वाला टाइम और ये दुख दर्द वाला टाइम दिख रहा था कि अब उसकी लाइफ में ऐसे बहुत दर्दनाक वाकये होने शुरू हो सकते हैं, और उसकी फैमिली का तो ना जाने क्या होगा, उसको मे भी शायद कहीं से लोन लेना पड़े, ना जाने क्या क्या उसके दिमाग में चल रहा होगा उस टाइम पे। और इन सब के बीच लेंचो बहुत ज्यादा परेशान है, होपलेस हो रहा है। तो इस पूरे टाइम में लेंचो के पास सिर्फ एक उम्मीद है, और वो उम्मीद कहा जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। जैसे ऐसी कहावतें हैं
लेंचो ने भी अपने बचपन से यही सब कहावतें सुनी थी कि कोई भगवान होता है, वो हर किसी की मदद करता है, किसी को भूखा नहीं मरने देता है। इसमें आपकी बुक्स में लिखा भी हुआ है कि जैसे रिमेम्बर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूखा नहीं मरता है। तो ऐसी ऐसी चीजें उसने बचपन से सुनी थी और लोग ऐसी चीजें एक दूसरे को सांत्वना देने के लिए बोलते भी रहते हैं। तो लेंचो को बहुत ज्यादा उम्मीद थी भगवान से, वो एनर्जी जिसको वो बचपन से फील करता रहा है कि कोई एनर्जी है आसपास, जिस एनर्जी पे वो भरोसा कर सकता है, जो एनर्जी उसकी शायद बात सुन ले, शायद उसकी मदद कर दे। ऐसे सीन सिचुएशन में जब कोई नहीं होता और आपकी जिंदगी बिखर रही होती, तो इंसान की फितरत है वो सीधा भगवान की तरफ जाता है। तो लेंचो ने भी यही किया। तो गॉड के बारे में लिखा हुआ है आपके बुक्स में, गॉड हुज आईज कैन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। कॉन्शियंस का मतलब होता है अंतरात्मा की आवाज, यानी कि या यूं कह लीजिए कि आपके मन में जो चीजें चल रही होती हैं। तो भगवान के बारे में कहा गया है कि भगवान हर जगह है, भगवान हर चीज फील करते हैं। इनफैक्ट जितने जीव जंतु हर चीज जो महसूस कर रहे हैं, वो भगवान ही महसूस कर रहे हैं। तो भगवान को पता होता है किसके मन में क्या चल रहा है। आप दुनिया में किसी से कुछ छुपा सकते हो, भगवान से नहीं छुपा सकते, क्योंकि भगवान आपके अंदर ही है, आपकी हर बात सुन रहा है। तो वो चीज है भगवान के बारे में कहा गया है कि उसे हर चीज पता रहती है, वो चीज भले किसी के कितना भी डीप इन वंस कॉन्शियसनेस हो। और ये एक लाइफ शैटरिंग सिचुएशन थी लेंचो के लिए। तो लेंचो यहाँ फैसला करता है कि वो भगवान से मदद मांगेगा, और लेंचो को ये भरोसा था कि दुनिया में कोई तो एक ऐसी ताकत है, कोई तो है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया, जो इस दुनिया को बरकरार रखे हुए है, और जिसके बारे में पूरी दुनिया से वो सुनता है बचपन से कि भगवान ऐसा करते हैं, भगवान वैसा करते हैं। तो लेंचो को विश्वास था कि अगर भगवान है, और विश्वास है उसे कि भगवान है, तो वो उसकी मदद करेगा, ये लेंचो को विश्वास है। अब सवाल उठता है हाउ टू कॉन्टैक्ट गॉड, कि भगवान तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए। तो लेंचो फैसला करता है कि वो एक लेटर लिखेगा भगवान के नाम, एक चिट्ठी लिखेगा। और आपके बुक्स में लिखा हुआ है, लेंचो वॉज ऑक्स ऑफ अ मैन working like an animal in the fields, but he still knew writing. तो Lencho was ox of a man. इसका ये मतलब, ox का मतलब होता है बैल। तो Lencho was ox of a man का क्या मतलब? क्या हम ये कह रहे हैं कि Lencho आदमी नहीं था, वो बैल था? ऐसा नहीं है। Lencho was ox of a man. ox यहाँ represent करता है, जैसे जानवरों में जो bull होता है, जो बैल होता है, बहुत मेहनत से काम करता है, बहुत ज्यादा कर्मठ होता है, कभी काम चोरी नहीं करता, और पूरा का पूरा खेती का काम करता है। तो उन क्वालिटीज को कंपेयर किया गया है कि लेंचो वाज ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी कि इंसानों में वो बैल है कि वो उतनी मेहनत से, उतनी कर्मठता से वो काम करता है पूरे टाइम बिना थके। तो ये मतलब हुआ लेंचो वाज ऑक्स ऑफ अ मैन। और ये जो चीज है, जब आप किसी, यहाँ पे किसी आदमी के अंदर ये क्वालिटीज है, आप इस चीज को इम्प्लाई कर रहे हो, तो इस चीज को कहते हैं मेटाफर। अभी आगे एक्सरसाइजेस में और मेटाफर्स आएंगे। तो ये कहा गया कि लेंचो इतना ज्यादा काम करने वाला आदमी था, लेकिन फिर भी उसे राइटिंग आती थी। ऐसा इतना जोर देके ये बात इसलिए कही गई क्योंकि पहले के टाइम में जो खेतों में काम करने वाले लोग थे, मेहनत करने वाले लोग थे, इन लोग को पढ़ाई लिखाई नहीं जाता था, पढ़ लिख नहीं पाते थे। और जो पढ़ाई लिखाए जाते थे, जिन लोग को अमीर लोग ही पढ़ पाते थे, और वो जो अमीर लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करते थे, वो फिर खेतों में काम उनको नहीं करना पड़ता था। तो इस वजह से ये लाइन लिखी गई कि लेंचो खेतों में भले काम करता था, किसान था, लेकिन उसे लिखना आता था। तो लेंचो यहाँ एक लेटर लिखता है भगवान को, और भगवान से लेंचो मांगता है 100 pesos। पीसोस करेंसी है, जैसे हमारे देश में रुपए चलता है, इसी तरीके से दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पीसो चलता है। पीसो एक्चुअली स्पेन जो इलाका है वहां की करेंसी थी, और फिर आगे वक्त में स्पेन ने पूरे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में राज किया। जैसे कि हम जानते हैं कि यूरोप के अलग अलग जितने इलाके थे, उन्होंने पूरी दुनिया पे राज किया। तो ऐसे स्पेन जो इलाका है, उसने कई सारे हिस्सों में राज था। तो जहां जहां स्पेन का राज था, वहां वहां पे स्पेन की करेंसी चलती है। तो पीसो स्पेन की करेंसी थी, और लैटिन अमेरिका के जितने देश है कई सारे, वहां आज के टाइम पे भी पीसो चलता है। तो उस जमाने की बात है ये। तो लेंचो 100 pesos मांगता है भगवान से, जिससे कि इन 100 pesos से वो क्या करेगा, सो हिज फील्ड्स अगेन, दोबारा से वो
फसल लगाएगा अपने खेत में एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स अगेन, और जब तक वो फसल बड़ी होगी उस फसल को बेचेगा तब तक उसकी फैमिली का खर्चा जो है वो इन 100 पीसोस से ही चलेगा। तो लेंचो ऐसा लेटर लिखता है, जाता है पोस्ट ऑफिस में और वहां पे ये लेटर वहां का जो लेटर बॉक्स है उसमें ड्रॉप करता है। अब लेंचो लेटर छोड़ के चला जाता है और पोस्टमैन आता है जिसका काम है उन लेटर्स को अलग अलग एड्रेसेस में लेके जाना। तो पोस्टमैन को जब लेटर मिलता है और पोस्टमैन देखता है कि ये लेटर भगवान के नाम पे लिखा गया है, तो अब भगवान कोई ऐसे इंसान या कोई ऐसी एंटिटी तो है नहीं जो कहीं एक जगह पाए जाते हैं या रहते हैं कि किसी को अगर भगवान के नाम का चिट्ठी मिले तो वो उस एड्रेस पे जाके दे आए, ऐसा तो है नहीं। तो वो जो पोस्टमैन था जिसे चिट्ठी मिली भगवान के नाम की, वो करे क्या, किसको दे? तो पोस्टमैन जो था जैसे उसने पढ़ा कि भगवान के नाम की चिट्ठी है तो वो बड़ा फैसिनेटेड सा हुआ कि पहली बार जिंदगी में देख रहा था कि किसी ने भगवान के नाम की चिट्ठी लिखी है। पोस्टमैन जाता है पोस्टमास्टर के पास, जो पोस्टमास्टर था उसके बारे में लिखा गया है, द पोस्टमास्टर अ फैट एमिएबल मैन, एमिएबल का मतलब होता है जो बहुत सज्जन होता है, जो बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है, बहुत दोस्ताना रवैये का होता है, ऐसे लोगों को एमिएबल कहा गया है। तो दे ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि जो पोस्टमैन ने जब वो चिट्ठी पोस्टमास्टर को दिखाई दोनों हंसने लग गए कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी भगवान के नाम की चिट्ठी लिख के पोस्ट ऑफिस में जा रहा है, कि उसको ये लगता है कि भगवान किसी जगह पे रहते हैं और वो चिट्ठी उन तक पहुंच जाएगी और भगवान उस चिट्ठी को पढ़ के जवाब भी दे देंगे, इतना भोला भाला कौन होता है। और यहाँ पे कहा गया है कि जो पोस्टमास्टर था वो कहते हैं कि I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God. Correspondence with God यानी कि बातचीत, और खास तौर पे अगर एक written form में हो, तो अब ये scene situation में जो postman थे, postman बड़े साफ दिल का आदमी था, उन्होंने ये फैसला किया कि लेंचो ने भगवान के नाम की चिट्ठी लिखी है, तो अगर चिट्ठी वापस नहीं आती, कि अगर लेंचो को जवाब नहीं मिलता है उस चिट्ठी का, तो लेंचो के मन में ये कहीं ख्याल आ जाएगा कि कहीं भगवान है ही नहीं, तो ये हो सकता है। तो पोस्टमैन ये नहीं चाहता था, पोस्टमैन के मन में ये ख्याल आया कि लेंचो अगर इतना भरोसा करता है भगवान पे कि उसने चिट्ठी लिखी है भगवान को, तो इतना तो उसको कर दिया जाए कि वो भगवान के नाम से वो खुद चिट्ठी लिख दे लेंचो को, कि लेंचो का मन लगा रहे, दिल बहल जाए उसका, दिल टूटे नहीं उसका, कि यार भगवान जैसी कोई चीज है नहीं दुनिया में। तो अब क्या होता है, नॉट टू शेक लेंचो'स फेथ इन गॉड, पोस्टमैन डिसाइड्स टू आंसर द लेटर, कि लेंचो का भरोसा ना हिल जाए भगवान से, इस वजह से वो लेटर का जवाब देने का फैसला करता है। लेटर खोलता है पोस्टमैन और जब लेटर पढ़ता है लेंचो की कंडीशन उसे मालूम चलती है, और लेंचो ने जो 100 पीसों मांगे हैं भगवान से, जब उसे ये मालूम चलता है तो कहा गया है इट वॉज एविडेंट दैट द आंसर नीडेड मोर देन इंक पेपर एंड गुडविल। एविडेंट का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत स्पष्ट हो, बहुत क्लियरली दिख रही हो, तो कहा गया कि लेटर पढ़ के ये बहुत साफ साफ सामने क्लियरली दिख रहा था कि सिर्फ आपको ऐसा नहीं कि बस एक चिट्ठी में कुछ लिख दो और लेंचो खुश हो जाएगा, लेंचो को पैसा भी चाहिए, तो अगर आपको जवाब देना है तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। तो लेंचो की जो सीन सिचुएशन थी, हालात थे, पोस्टमैन बहुत साफ दिल का आदमी था, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में जो जब देखते हैं कि कोई आदमी तकलीफ में है तो उन्हें भी तकलीफ पहुंचती है और उनका मन करता है कि काश मैं मदद कर पाता, ऐसे बहुत लोग होते हैं, हर कोई नहीं होता लेकिन बहुत होते हैं। तो पोस्टमैन ऐसे ही टाइप का आदमी था, तो इसने फैसला किया कि भले लेंचो से मेरा कोई वास्ता नहीं है लेकिन बस मन में आया कि चलो यार इसकी मदद कर दी जाए। तो अब पोस्टमैन क्या करता है, पोस्टमैन कलेक्ट्स मनी फ्रॉम एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस एंड गेव हिज ओन शेयर, यानी कि पोस्टमैन ने पैसे इकट्ठा किए, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे यानी कि वहां के जो कर्मचारी थे उनसे पैसे इकट्ठा करना शुरू किया, और लिखा है दे वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, यानी कि obliged to give something, यानी कि उनको भी अच्छा लग रहा था कि वो एक इतने अच्छे काम में हिस्सा बन रहे हैं, वो भी मदद कर रहे हैं। और ये सब टोटल काम करके जो पोस्टमैन थे उन्होंने 70 पीसोस कलेक्ट कर लिए, 100 पीसो नहीं कर पाए क्योंकि 100 पीसो थोड़ा बड़ा अमाउंट है, 70 पीसोस कलेक्ट कर लिए। अब पोस्टमैन जो थे उन्होंने 70 पीसोस एक एनवलप में डाले और उस एनवलप में लिखा फ्रॉम गॉड, यानी कि लेंचो को ये महसूस हो, लेंचो को ये ना लगे कि इन पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने कुछ मदद करी या किसी और ने करी,
लिंचो के लेटर में सिर्फ लिखा हुआ है फ्रॉम गॉड, कि भगवान से ही आया है, ये क्लियर हो। अब इसके बाद जब अगला संडे आया, लिंचो ने ये लेटर लिखा, संडे के दिन पोस्ट ऑफिस जाके वहां पे मेल जमा किया। नेक्स्ट संडे लिंचो वापस आता है पोस्ट ऑफिस में और पूछता है कि क्या मेरे नाम का कोई लेटर है, तो उसे लेटर दिया जाता है, ही गेट्स अ लेटर फ्रॉम गॉड। और हाँ, एक और चीज आपको बता दूं, ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ये अपने टेलीप्रॉम्प्टर के तौर पे बनाई है, तो जो भी मैंने इंग्लिश इसमें लिखी है, इसमें इसकी ग्रामर भी खराब है और इसका स्ट्रक्चर भी खराब है, इंग्लिश ऐसी लिखी नहीं जाती है, ये मेरा टेलीप्रॉम्प्टर भी है एक तरीके से, तो यहाँ पे आप ग्रामर मत ढूंढिएगा कि इस तरीके से आप बात समझिएगा बात क्या करी जा रही है। तो अब लिंचो को ये चिट्ठी मिलती है भगवान से, और लिंचो को जब ये चिट्ठी दी जा रही होती है, तो जितने पोस्ट ऑफिस के लोग होते हैं सब अपने अपने काम करते करते बस नोटिस कर रहे होते हैं, सबको ये लग रहा होता है कि लिंचो को जब भगवान से चिट्ठी मिलेगी और इतनी बुरी कंडीशन में जब उसे 70 पीसों मिलेंगे तो लिंचो खुश हो जाएगा बिल्कुल कि भगवान ने उसकी मदद करी, और न जाने क्या करेगा, वो देखने के लिए एक्साइटेड थे कि जरा देखते हैं क्या रिएक्शन होगा लिंचो का। लेकिन अब होता क्या है, लिंचो को जब चिट्ठी दी जाती है कि भगवान के नाम से चिट्ठी आपके नाम पे आई है, तो लिंचो शोज नो सरप्राइज। कहा गया है कि लिंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। स्लाइट का मतलब होता है छोटा, तो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी कि जरा सा भी उसको हैरानी नहीं हुई जब लिंचो ने वो लेटर देखा और वो पैसे देखे। लिंचो ने सीधा क्या करना शुरू किया, पैसे काउंट करना शुरू किया, और जब उसने पैसे काउंट किए तो उसको मालूम चला कि सिर्फ 70 पीसों भेजे हैं भगवान ने, 30 पीसों अभी भी कम है। तो अब लिंचो ने क्या किया, लिंचो को अचानक से किसी बात पे बहुत गुस्सा आना शुरू हुआ, और जितने भी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग थे सब नोटिस कर रहे थे कि यार ये खुश होने के बजाय इतना गुस्सा क्यों है। लिंचो उठता है, वहां से एक कागज लेता है, एक दूसरा लेटर लिखता है भगवान को, और जाता है वहां टेबल पे स्टैंप लेता है और बड़ी फ्रस्ट्रेशन के साथ स्टैंप चिपकाता है उस लेटर पे, और उस लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप करता है। एम्प्लॉइज ऑफ पोस्ट ऑफिस वर सरप्राइज्ड टू सी लिंचोस रिएक्शन। तो ये जो लिंचो का रिएक्शन था, ये देख के पोस्ट ऑफिस के जितने लोग थे बहुत हैरान थे, सरप्राइज्ड थे कि ये आदमी खुश होने के बजाय इतना गुस्सा किस बात पे, और उनके मन में चीज आ रही थी कि हम देखेंगे लिख क्या रहा है ये। और उसके बाद लिंचो चिट्ठी लिख के जब वापस जाता है तो सब लोग पहुंचते हैं, पोस्टमैन पहुंचते हैं वहां, उस चिट्ठी को खोलते हैं कि लिखा क्या है, और लिंचो ने लिखा होता है वो चिट्ठी भगवान के नाम पे ही, और लिंचो लिखता है भगवान को कि भगवान जो रिमेनिंग 30 पीसोस हैं, जो बचे हुए 30 पीसों हैं उसको जल्दी भेजिए, मुझे उनकी जरूरत है, और बट नॉट थ्रू द मेल दिस टाइम, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। यानी कि भगवान से लिंचो कह रहा है कि जो बचे हुए 30 पीसों हैं जो वो मुझे नहीं मिले हैं, तो वो आप भिजवा दीजिए, लेकिन इन पोस्ट ऑफिस के लोगों के हाथ में मत भिजवाइएगा, क्योंकि ये लोग बहुत शातिर हैं, ये लोग बहुत क्रूक्स हैं, यानी कि ये चोर उचक्के हैं। लिंचो के मन में ये चल रहा था कि भगवान को मैंने चिट्ठी लिखी है तो भगवान तक चिट्ठी पहुंचेगी, अब भगवान या तो फिर उसे पैसा देंगे या तो फिर पैसा नहीं देंगे, लेकिन अगर पैसा देंगे भगवान तो पूरा देंगे, वो फिर ये क्यों करेंगे कि सौ भगवान है वो, पूरी दुनिया उनकी है, उनके लिए 100 पीसों कौन सी बड़ी बात है, तो भगवान या तो फिर देंगे या फिर नहीं देंगे, लेकिन देंगे तो 100 के 100 ही देंगे, लेकिन 100 की बजाय 70 आ रहा है, तो क्या भगवान पे पैसे की कमी है। लिंचो के मन में ये बात चली कि भगवान ने 100 भेजे होंगे, ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं इन्होंने 30 पीसों निकाल लिए, इस वजह से लिंचो ने कहा कि इस बार मेल के थ्रू मत दीजिएगा मुझे पैसे, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ये उचक्के हैं, और यहाँ पे स्टोरी हमारी एंड होती है। तो ये जो कहानी थी लिंचोज लेटर टू गॉड, दरअसल में ऐसा लिंचो नाम का कोई किसान तो था नहीं, और ये कहानियां जो होती हैं ये सच या झूठ नहीं होती हैं, कहानियां सिर्फ कहानियां होती हैं। तो ये जो लिंचो की स्टोरी थी, इस स्टोरी को जिस भी राइटर ने लिखा है, उस राइटर ने इस कहानी के थ्रू कई सारे एस्पेक्ट्स को छुआ है, इन तमाम अलग अलग एस्पेक्ट्स को बहुत हल्के में ऊपर ऊपर से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इस कहानी के जरिए जो राइटर हैं उन्होंने जो छोटे किसान हैं उनकी जिंदगी के बारे में दिखाया है,
कि ये जो लाइफ साइकिल होता है पैसे का, किसानी एक पेशा है और हर पेशे के एस्पेक्ट्स हैं, तो किसानी पेशे के जो एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम आइडिया लगता है कि शुरुआत होती है पैसे से। आपको पैसा कमाने के लिए पैसा चाहिए, ये बहुत बड़ी आयरनी या विडंबना की बात है हमारी इस दुनिया में, लेकिन अब सिस्टम ही ऐसा है, क्या करें। तो सबसे पहले किसानों को पैसा चाहिए होता है, उस पैसे से वो बीज या फर्टिलाइजर्स ये चीजें खरीदते हैं, तब जाके क्रॉप्स उगती हैं यानी कि फसल, और ये जो फसल है इस फसल को बेच के फिर पैसा आता है किसान के पास, तब जाके उसकी लाइफ सस्टेन हो पाती है और उसी पैसे से पैसा बचा के फिर से उसे सीड्स खरीदने पड़ते हैं कि क्रॉप्स हो सके। और ये जो साइकिल है ये एक के ऊपर एक चीजें डिपेंड करती है, अगर एक भी चीज को आप हटा दीजिए तो आगे की सब चीजें क्रैश करती हुई चली जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए किसी किसान की जो फसल है वो अगर खराब हो गई किसी भी रीजन से, तो उसके आगे की जो लाइफ की जो चीजें हैं सब की सब क्रैश कर जाएंगी। जैसे कि फसल बर्बाद हो गई तो अब उसे पैसा नहीं मिलेगा, ना खाने पीने के लिए, ना अगले जो बीज खरीदने के लिए, और इन सब के चलते या तो फिर उस किसान के पास दो रास्ते बचते हैं, या तो फिर वो और उसका पूरा परिवार भूखा मर जाए, और दूसरा जो एक ऑल्टरनेटिव बचता है किसानों के आगे, उनके पास पैसा नहीं है बिल्कुल भी, पैसा चाहिए किसी भी चीज के लिए, खाने तक के लिए पैसा चाहिए, पानी पीने को पैसा चाहिए, तो उन्हें लोन लेना पड़ता है। और एक और बड़ी आयरनी इंसानों की, अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, अमीर हैं, तो आपको कोई आदमी लोन दे देगा और बड़े आराम से लोन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं और आपको पैसे की जरूरत है और कुछ भी पैसा नहीं, तो आपको लोन बहुत मुश्किल से मिलेगा। जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं वो लोन देते हैं और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट में देते हैं, जैसे कि अगर कोई आदमी किसी सेठ से 50,000 रुपए उधार लेता है तो वो सेठ कहेगा कि 4 महीने बाद मुझे 70,000 वापस चाहिए, आपकी मर्जी, लेना हो तो लो, मत लेना मत लेना हो। और नहीं है पैसा तो लेना पड़ता है इन किसानों को, और वो जो कर्जा लेते हैं वो कर्जा चुका नहीं पाते, तो यहाँ से एक साइकिल ऑफ लोन शुरू होता है किसानों का। इसकी वजह से किसान फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, पैसा नहीं चुका पाते, जो जो सेठ लोग हैं उनके गुंडे हैं इनके घर वालों को हरास करना शुरू करते हैं, इनकी औरतों को हरास करना शुरू करते हैं, और इन सब के चलते ये किसानों की बहुत ज्यादा मौत होती है। कई बार ये जो सेठ लोग होते हैं इनके गुंडे लोग मार देते हैं ऐसे किसानों को, या फिर किसान सुसाइड भी कर लेते हैं, और हमारे ही देश में हर साल ना जाने कितने किसान सुसाइड करते रहे। और इस कहानी में एस्पेक्ट्स डिस्कस किए गए हैं लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट, कि लेंचो किस तरीके से खुश था और उसको उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी, और किस तरीके से टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डिस्पेयर, लेंचो की इस खुशी और उम्मीद को हमने डिस्पेयर में, यानी कि बहुत ज्यादा दुख दर्द या तकलीफ को कहते हैं डिस्पेयर, कि हमने तकलीफ में बदलते देखा। और यहाँ इस पॉइंट से हम फिर एक एस्पेक्ट को छूते हैं कि जो किसानों का कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, किसानों के इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट, चाहे नेचर के साथ हो चाहे दूसरे इंसानों के साथ हो, हमें इसकी भी एक झलक मिली। किसानों की पूरी जिंदगी उनके क्रॉप्स या फसल पे डिपेंड करती है, और ये जो क्रॉप्स हैं ये अक्सर ही ऐसा होता है कि पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं अलग अलग रीजन से, शायद ड्रॉट पड़ जाए, यानी कि क्या पता सूखा पड़ जाता है कई बार कई सालों में, कई साल ऐसे होते हैं जब फ्लड्स यानी कि बाढ़ आ जाती है, कई साल होते हैं जब हेल स्टॉर्म्स यानी कि ओले गिरते हैं, पूरी फसल बर्बाद हो जाती है कितने किसानों की, कई बार होता है कि बारिश तेज हो जाती है गलत टाइम। किसानी के प्रोफेशन में ये भी एक चीज है, आपको बारिश चाहिए लेकिन पर्टिकुलर टाइम्स में, गलत टाइम में बारिश हो गई तो उससे भी फसल का नुकसान होता है। कई बार तूफान आ जाते हैं, साइक्लोन्स आते हैं, जो समुद्री इलाकों के पास के जो इलाके हैं वहां जब ऐसे साइक्लोन्स आते हैं तो समंदर का पानी खेतों में भर जाता है, और वो पानी जब सूखता है तो वो नमकीन पानी होता है समंदर का, तो नमक जम जाता है पूरे खेत में, तो वो खेत पूरा बंजर हो जाता है। अब सोचिए वो जमीन जिस किसान की है, जिस भी गरीब किसान की, उसकी क्या जिंदगी होती होगी। कई ये सब तो नेचर के एस्पेक्ट्स हो गए, और इसके बाद जानवरों के, ये भी नेचर का ही हिस्सा है, कई बार पेस्ट आ जाते हैं उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, लोकस यानी कि टिड्डियों की वजह से, कि टिड्डियों के ऐसे दल आ जाते हैं पूरी पूरी फसल बर्बाद कर देते हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स यानी कि ये जो जानवर हैं जो चरते चरते कई बार फसल खराब कर देते हैं, और इन सब के अलावा दूसरे ह्यूमन से भी कन्फ्लिक्ट होता है खेती किसानी के सेंस में,
जैसे क्राइम बाय अदर ह्यूमंस। आज के टाइम पे तो जैसे वॉर्स जो हैं, जो युद्ध हैं, बहुत कम हो गए हैं। अब जैसे हम अगर हमारे देश की बात करें तो 1947 में हम पूरा एक इलाका एक देश बने, तो हम इतना बड़ा पूरा इलाका कि कश्मीर से गुजरात तक, वहां नॉर्थ ईस्ट और पूरा साउथ, हम एक इलाका बन गए। और अब हमारा युद्ध होगा तो बाहर के इलाकों से ही होगा, अंदर नहीं होगा। तो अब जो अंदर लोग रहते हैं उनकी जिंदगी में एक सेफ्टी सिक्योरिटी है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि कोई देश तो था नहीं 1947 से पहले, हम एक सिविलाइजेशन या सभ्यता थे। तो एक दूसरे के इलाके जो साम्राज्य थे, अलग अलग राजाओं के राज्य थे, साम्राज्य थे, वो एक दूसरे पे अटैक करते रहते थे। तो यही चीज पूरी के पूरी दुनिया में होता था, साम्राज्य हुआ करते थे और एक राजा या एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पे हमला करता था, और जो हमला होता था, जो युद्ध होता था, उसमें दूसरे की सेना को कमजोर करने के लिए उनके इलाकों में पूरे पूरे ये खेत जला दिए जाते थे, पूरे गांव जला दिए जाते थे, कि जिससे कि दूसरे की जो आर्मी है उनको खाने की कमी पड़ जाए। तो खेत किसका जलाया जा रहा है? किसानों को ही तो जलाया जा रहा है। आज भी कई सारे क्राइम्स होते हैं जहाँ किसी भी किसान से दुश्मनी होती है तो पूरा का पूरा खेत जला देते हैं उसका। तो ह्यूमन फैक्टर्स या क्राइम के फैक्टर्स या इतिहास में देखा जाए तो वॉर्स इतने होते रहे, तो इस वजह से किसानों का कंफ्लिक्ट नेचर और ह्यूमन से कैसे होता है। और एक आस्पेक्ट है लेंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड। तो हम इंसान जो है, हम लोगों की जिंदगियां हमेशा से बहुत ज्यादा डेलिकेट रही है। किस सेंस में? यानी कि हमें इंसानों को हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसा हमेशा कम महसूस होता है, तो पैसे के लिए भागना, पैसे के लिए टेंशन। इसके अलावा हम लोग की जिंदगियां डिपेंड करती हैं दूसरे लोगों पे और अपने आसपास के लोगों में से। जब डेथ, ये एक ऐसी चीज है जो कॉमन है सबके लिए, तो अपने आसपास किसी की अगर डेथ हो जाती है तो उसका एक बहुत बुरा असर पड़ता है सबकी जिंदगियों पे। इसके अलावा बीमारियां होती रहती हैं आजकल के टाइम में, तो फिर भी लोग जी जाते हैं। पहले के जो जमाने थे, पहले के जमानों में ऐसा होता था कि 14-15 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ज्यादातर बच्चों की मौत हो जाती थी। यानी कि होता ये था कि कोई हस्बैंड वाइफ हैं, वो अगर 6 बच्चे पैदा करते थे तो 6 में शायद 2 या 3 जी पाते थे 15 की उम्र के ऊपर, बाकी सब 15 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते 2-3 बच्चे मर जाते थे। इतना ज्यादा बीमारियों की वजह से मौत होती थी पहले। इसके अलावा ओल्ड एज में बीमारी, हर चीज के सेंस में पहले बीमारियां बहुत थी, वॉर्स अक्सर होते रहते थे। इसके अलावा क्राइम्स, हर चीज के मामले में ह्यूमन लाइफ बहुत डेलिकेट है। बहुत जल्दी ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि उसकी जिंदगी तबाह हो जाए या शैटर हो जाए। तो इस वजह से इंसानों के अंदर एक हमेशा से इनसिक्योरिटी बनी रहती है और इंसान हमेशा से एंग्शियस रहते हैं कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे से ये चीज छिन ना जाए। और इस वजह से इंसानों को बचपन से फितरत होती है, उन्हें कोई ना कोई चाहिए, कोई ताकत ऐसी चाहिए जिस ताकत पे वो रिलाय कर सकें, भरोसा कर सकें कि हाँ कुछ हो ना हो ये ताकत मुझे बचा लेगी या सब सही हो जाएगा। एक उम्मीद चाहिए जीने के लिए। तो इस वजह से ह्यूमंस नीड अ कंपेनियन टू रिलाय अपॉन, कि वो जिससे प्रार्थना कर सके, उनको ये विश्वास चाहिए कि कोई है जो प्रार्थना कर देगा। और फील भी होता है उनको कई बार कि हाँ ऐसा कोई है जिस पे भरोसा कर सकते हैं। और इंसानों को इस दुनिया में जीने के लिए जरूरत है भगवान की। और एक और बड़ी सच्चाई बताऊं, दुनिया में भगवान है कि नहीं वो तो भगवान ही जाने, लेकिन अगर भगवान नहीं भी है तब भी इंसान भगवान बना देगा, क्योंकि भगवान की जरूरत है। और इतिहास में अगर आप देखें तो इंसानों ने भगवान को बनाया है क्योंकि भगवान की जरूरत है। ह्यूमंस दे फील गॉड एंड दे नीड गॉड। और ये चीज जो जिसे हम तकदीर कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, उस पर तो हर किसी को भरोसा है। पहले के टाइम में जब अर्ली ह्यूमंस होते थे तो शिकार करने जाते थे, 10 लोग जिंदा आते थे, 8, 2 लोगों को क्या पता किसी जानवर ने मार दिया। कौन जी पा रहा है, कौन मर पा रहा है, किसकी मौत हो रही है, ये सब तकदीर के खेल है। और अर्ली ह्यूमंस के जमाने से एनिमिज्म चल रहा है कि अर्ली ह्यूमंस तक ये महसूस करते थे कि शायद कोई ऐसे जंगलों में आत्माएं हैं, कोई ऐसी ताकत है जो बचा ले जाती है किसी को और किसी को नहीं बचाती। उसके बाद धर्म बनने शुरू हुए, फिर अलग अलग तरह के भगवानों का जिक्र आता रहा इंसानों का। अगर आप इतिहास देखें
तो ये भी एक एस्पेक्ट है जिसको छुआ गया है स्टोरी में। अब हम डिस्कस करते हैं लेंचो'स एक्ट ऑफ एंगर टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस, यानी कि लेंचो का जो नाराजगी थी पोस्ट ऑफिस के लोगों के लिए, क्या वो कितनी जायज थी, उसको डिस्कस करते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जितने भी इंसान हैं, हर इंसान अपने अपने पर्सपेक्टिव से सोचता है, अपनी अपनी नजर से दुनिया देखता है, तो वो क्या सोचता है या क्या काम करता है ये डिपेंड करता है उसके पर्सपेक्टिव पे, यानी कि वो किस नजर से दुनिया देख रहा है। और ये जो पर्सपेक्टिव है ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसकी नॉलेज कितनी है। उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है कि वो किस नजर से दुनिया देखेगा, और इस चीज पे डिपेंड करता है कि वो काम क्या करेगा। तो अब जरा पोस्टमैन को देखते हैं। तो पोस्टमैन अपने पर्सपेक्टिव में बिल्कुल सही था कि उसने देखा कि किसी को मदद की जरूरत है तो उसने कर दिया, और वो ये उम्मीद कर रहे कि हाँ सामने वाला भी खुश हो जाए, तो इसमें कुछ गलत नहीं, वो अपनी नजर से बिल्कुल सही है। अब लेंचो की नजर से देखते हैं, तो लेंचो ने भगवान को चिट्ठी लिखी, भगवान ने उसे 100 पीसों भेजते, भगवान 70 नहीं भेजते, या तो फिर भेजते या फिर नहीं भेजते, लेकिन भेजते तो 70 नहीं भेजते, पूरे 100 भेजते। तो 70 पीसों आया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि भगवान कम पैसा देगा या भगवान पैसा काट लेगा, तो इसका क्या मतलब कि पोस्टमैन ने लिया है। तो लेंचो की नजर से अगर देखा जाए तो लेंचो गलत नहीं, लेंचो भी बिल्कुल सही है। लेंचो वाज आल्सो राइट इन ओन पर्सपेक्टिव, कि अपनी नजर से अगर देखे अपने दिमाग से तो लेंचो भी गलत नहीं था, उसने सही किया बिल्कुल। यहां पे हुआ क्या कि यहां सिचुएशन गलत बैठ गई, और जिंदगी में ऐसा कई बार होता है कि दो अच्छे लोग, लेकिन सिचुएशन गलत बैठ जाती है कि वो कुछ ऐसा हो जाता है, ये होता है लाइफ में। और इवेंचुअली अगर आप पोस्टमैन की नजर से देखें वो सही था, लेंचो की नजर से देखें वो सही था, अगर आप एक तीसरी नजर से देखें, कि तीसरी नजर ऊपर से देखें, तो आपको फील होगा कि एट द एंड जो लेंचो था, लेंचो का काम को आप गलत कह सकते कि ऐसा वैसे होता ना, होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया, सिचुएशन ऐसी है। और एक और चीज, यहीं से एक और चीज आती है, आप क्या काम करोगे, आपके एक्शंस कैसे होंगे, आपके विचार क्या होंगे, ये आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है, आपको मालूम क्या है। तो एक और चीज, अगर आपकी नॉलेज को कंट्रोल कर लिया जाए कि आपको मालूम क्या है, तो आपके एक्शंस को कंट्रोल किया जा सकता है बहुत आराम से। और खास तौर पे अगर देखा जाए तो जो बड़े नेता लोग होते हैं, जो लीडर्स होते हैं, या फिर जो राजनीति इस तरीके से चलती है, वो ये काम करते हैं कि आपकी नॉलेज को किस तरीके से चेंज किया जाए कि आपके एक्शंस की वो नफ्स जानते हैं कि पब्लिक को किस तरफ कैसे करना है। वो अमेरिका जो कहा करता था हमें वॉर में नहीं जाना है, 4 महीने के अंदर वो अमेरिका बिल्कुल आतुर था कि नहीं यार हमें वॉर में जाना है, हमें ऐसा ऐसा कर देना है। क्या हो गया 4 महीने के अंदर? तो ये चीज है, आपकी नॉलेज को अगर एक तरीके से चेंज किया जाए तो पब्लिक के एक्शंस बदल सकते हैं। अब एक और आयरनी की बात या विडंबना की बात डिस्कस करते हैं। ये एस्पेक्ट इस चैप्टर में नहीं दिया, मैं खुद से ऐड कर रहा हूं कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे कितने बड़े बड़े क्रिकेटर हों, फिल्म स्टार हों, सिंगर हों, एक्टर हों, कितने बड़े नेता क्यों ना हों, जितने भी लोग हैं, हर आदमी रोज खाना खाता है और दिन में कई बार खाना खाता है। बिना खाना खाए दुनिया में किसी का काम नहीं चलता है। लेकिन दरअसल में खेती कितने लोग करते हैं जो खुद अपना खाना उगाते हैं? दरअसल में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो खेती करते हैं, दरअसल में खेतों में झुक के काम करते हैं, बुआई करते हैं, कटाई करते हैं, बहुत कम लोग हैं इस अगर अर्थ की पॉपुलेशन के मुकाबले देखा जाए तो। और ये एक हकीकत है कि ऐसे लोग चाहिए होंगे जो दरअसल में खेती करें, डू फार्मिंग। ऐसा नहीं कि खेत है और मजदूर लगा दिए खेती करने के लिए, ऐसे किसानों की बात नहीं कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जो सही में सुबह से शाम तक लगते हैं, मेहनत करते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो सही दरअसल में खेती करते हैं, उनके दम पे ये पूरी दुनिया चल रही है। और ऐसे किसान, ऐसे लोग जो सरप्लस फूड उगाते हैं, इसी के बदौलत जितने दूसरे इंसान हैं उनको ये लग्जरी मिल पाती है कि अब उन्हें ये कुछ कागज के नोट दे के या कुछ सिक्के दे के खाने को मिल सकता है, तो वो कागज दे के वो खाने की चीजें उनको मिल सकती हैं, क्योंकि खाने की चीजें हैं।
तो जो सरप्लस फूड है इसकी वजह से दूसरे इंसानों को ये लग्जरी मिल पाती है कि वो खेती किसानी के अलावा भी कुछ कर सकें, कि उन्हें अपना अनाज नहीं उगाना, खुद में खेतों में काम नहीं करना। इस वजह से इंसान दूसरे टास्क कर पाते हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर पाते हैं, वो कुछ और कर पाते हैं, स्पोर्ट्स खेल पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक फैक्ट है। अब अगर आप एक एलियन पर्सपेक्टिव से देखें कि अगर आप हमारी अर्थ को थोड़ा दूर से देखें तो आपको ये महसूस होगा कि जितने भी इंसान हैं सबको जीने के लिए खाना चाहिए। तो वो लोग जो दरअसल में खाना उगा रहे हैं, ये जो दरअसल में फार्मिंग कर रहे हैं, ये तो लोग बहुत प्रॉस्परस होने चाहिए। कायदे से देखा जाए तो इन लोग के पास तो बहुत पैसा होना चाहिए था, क्योंकि ये सबसे बेसिक काम कर रहे हैं, और अगर ये काम हटा दिए तो बाकी किसी को काम सर्वाइव ही नहीं कर सकता। इंसानों की जो सोसाइटीज थी वो शुरुआत एग्रीकल्चर से हुई थी, तो होना तो ये चाहिए था कि खेती किसानी करने वाले लोग सबसे अमीर, सबसे प्रॉस्परस होने चाहिए थे। लेकिन होता इसका जस्ट उल्टा है कि खेती किसानी करने वाले लोग पूरी दुनिया में, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, वो सबसे ज्यादा परेशान है, और जो सोसाइटी का जो एक पिरामिड है उसमें सबसे नीचे आते हैं। और दूसरी तरफ, दूसरी एक आयरनी देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा प्रॉस्परस लोग कौन है और ये लोग क्या करते हैं, इस पे भी कभी आगे बाद में बात करेंगे। तो ये था क्लास 10th इंग्लिश का पहला चैप्टर का पहला पार्ट, स्टोरी वाला। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के पोएम्स शॉर्ट में। ये क्लिप जो आपने देखी, ये हिस्सा थी हमारे टीचमेंट कोर्सेज का। हम क्लास 7th, 8th और 9th के लिए ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं, जिसमें हम क्लास 7th और 8th को मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडी पूरा कवर करा रहे हैं। इसके अलावा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स जो होने हैं, इसके लिए इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन हम करा रहे हैं। इन तमाम चीजों के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, स्टडी पीडीएफ्स मिल जाएंगी, डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे टाइम टाइम पे। क्लास 9th के लिए हम फिलहाल मैथ्स और साइंस करा रहे हैं, इसके साथ साथ इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड भी। ये तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी इस क्लासरूम आईडी पर। टीचमेंट ऐप डाउनलोड करके आप ये क्लासरूम आईडी डालेंगे तो फिर आपको बाकी सारे डिटेल्स भी पता चल जाएंगे। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी। ये रहा हमारा व्हाट्सएप नंबर। हमारे पेड लाइव क्लासेस के लिए बाकी डिटेल्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर सकते हैं बाकी डिटेल्स।